पिछले वीडियो में जो है हम लोग रिलेशन के बारे में पढ़े थे। पिछले वीडियो में रिलेशन के बारे में जान गए थे कि कैसे जो है रिलेशन क्या है, ऑर्डर पेयर क्या है, रिलेशन और ऑर्डर पेयर किस तरह से रिलेटेड होते हैं, ये सारे के बारे में बता दिए थे। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बताए थे, फिर डोमेन निकालना सीखे थे, रेंज निकालना सीखे थे, ये सारा चीज़ जो है हम सीख लिए थे। अगला टॉपिक जो है वो फंक्शन है। ऐसा नहीं है कि रिलेशन ख़त्म हो गया। 12th क्लास में जाएंगे तो टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है, और भी रिलेशन के बारे में पढ़ना है हमको 12th क्लास में। अभी फ़िलहाल हम फंक्शन चैप्टर पढ़ने के लिए जो है हम रिलेशन पढ़ाए थे। तो अगला हेडी लगाओ, हमारा नया टॉपिक दिस इज फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन तो देखो ध्यान से कि फंक्शन जो होता है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन ही है। फंक्शन क्या है? एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन ही है, ठीक है ना। फंक्शन जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। कैसे? देखो बता रहे हैं, पहले डिफिनेशन लिख लो। ए फंक्शन इज ए स्पेशल केस ऑफ रिलेशन वेयर एवरी एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट, एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, फर्स्ट सेट को क्या बोलते थे हम लोग? डोमेन बोलते थे। हैज ओनली एंड ओनली वन आउटपुट इन सेकेंड सेट। सेकेंड सेट को हम लोग बोलते हैं को डोमेन, ठीक है। इसका मतलब क्या है? डिफिनेशन लिख दिए तुम्हारे लिए, इसका मतलब क्या है समझा रहे हैं, ध्यान से समझना। ध्यान से कि एक जो है स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन ही है जिसमें ए के सारे एलिमेंट जो होंगे वो बी के साथ रिलेटेड होंगे। हम पिछले जो है रिलेशन का मैपिंग डायग्राम जब सिखा रहे थे तो हम तुमको बताए थे कि देखो ध्यान से, रिलेशन का जब मैपिंग डायग्राम तुमको दिखाए थे तो यहाँ पे दिखाए थे हम तुमको, देखो कहाँ पर था रिलेशन का मैपिंग डायग्राम जो है तुमको दिखाए थे, तो दिखाए थे कि देखो इससे किसी भी प्रकार का रेंज नहीं निकल रहा, इससे भी किसी प्रकार का रेंज नहीं निकल रहा, इससे भी किसी प्रकार का रेंज नहीं निकल रहा, वन से भी किसी प्रकार का रेंज नहीं निकल रहा। लेकिन फंक्शन जो है वो एक ऐसा रिलेशन है जिसमें सारे एलिमेंट जो है फर्स्ट एलिमेंट से रेंज निकलेंगे, सारे एलिमेंट्स जो है रेंज निकलेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पर अगर हम बनाना चाहें तो दो ठो एक मैपिंग डायग्राम बना लें। मान लो कि ए के अंदर दो एलिमेंट्स है, ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, फिर एक है, दो है, तीन है, चार है। तो फंक्शन के अंदर जो है दोनों सेट के अंदर, ए और बी के अंदर, फर्स्ट सेट के अंदर जो है एवरी एलिमेंट जो होंगे वो होंगे रिलेटेड होंगे बी से, ठीक है। और एक ही रेंज जो है निकलना चाहिए, इनके ए से दो रेंज निकलेगा, एक ही रेंज निकलना चाहिए। जैसे मान लो कि ए से जो है ए का मैपिंग जो है दो के साथ है, ऐसे बी का मैपिंग जो है वन के साथ है, ठीक है, सी का मैपिंग जो है तीन के साथ है और डी का मैपिंग चार के साथ है। देखो ध्यान से कि ए से एक एक एलिमेंट, एक एक रेंज जो है निकला हुआ है, एवरी एलिमेंट से निकला हुआ है बी में, ठीक है, एवरी एलिमेंट जो है बी में निकला हुआ है। तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, हमारा फंक्शन है, ठीक है। अगर फंक्शन यहाँ पे लिखना ही चाहेंगे ए टू बी, तो फंक्शन को ऐसे लिखेंगे, फंक्शन जो है वो ए टू बी इस तरह से डिफाइंड है कि हमारा ये भी रिलेशन ही है लेकिन इसका सिंबल हो गया एफ, और एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है जिसमें ए के सारे एलिमेंट जो होंगे उससे एक ना एक रेंज हमेशा निकलेंगे ही, ठीक है, ओनली वन रेंज जो है रिलेटेड होंगे बी के साथ, ठीक है। अब ए के अंदर जो है रेंज क्या क्या हो सकते हैं, तो देखो ए जो है किसके साथ मैपिंग है, दो के साथ, फिर बी के किसके साथ मैपिंग है, एक के साथ, फिर सी तीन के साथ, फिर डी चार के साथ, ठीक है। तो ए जो है हमारा क्या हो गया, फंक्शन हो गया, क्लियर हुआ। जो एवरी एलिमेंट जो है ए के साथ क्या हो, रिलेटेड हो, तो बोलेंगे क्या है, फंक्शन है। अच्छा एक चीज़ आता है, सवाल आता है कि कोई फंक्शन को मैपिंग से कैसे आइडेंटिफाई करें, ठीक है। तो देखो हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से, हम डिफिनेशन से ही तो बता सकते थे लेकिन कोई भी फंक्शन को मैपिंग से अगर समझना है तो उसके लिए हम तुमको एक एग्जांपल समझाते हैं। थोड़ा सा टॉपिक ही है,
आइडेंटिफाई फंक्शन यूजिंग मैपिंग। मैपिंग का यूज करके जो है किसी भी फंक्शन को कैसे पहचाने उसके लिए हम बता रहे हैं। ध्यान से देखो, जैसे मान लो कि पहला जो है मैपिंग है इस तरह से, ठीक है, दूसरा मैपिंग जो है इस तरह से, तीसरा मैपिंग जो है इस तरह से, और चौथा मैपिंग जो है, चार को हम एग्जांपल समझा रहे हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। ध्यान से देखो, एक के अंदर मान लो कि एलिमेंट्स है ऐसे 1, 2, 3, और इसके अंदर है एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ऐसे इसमें जो है रेंज बनाया हुआ है, फिर यहाँ पे है 1, 2, 3, फिर y है, तो 1 से y है, 2 से y है, फिर तीसरा में है 1, 2, x, y, z, ठीक है, और एक और है 1, 2, 3, x, y, z, ठीक है। इसमें जो है ऐसे है कुछ, ऐसे इन चारों से जो है हम रिलेशन और फंक्शन के बारे में अच्छे तरह से समझ सकते हैं। कैसे, देखो हम फंक्शन का डिफिनेशन पढ़ाए थे कि फंक्शन जो है एक स्पेशल टाइप का रिलेशन ही है, जिसमें फर्स्ट सेट से मान लो कि यहाँ पे इसका नाम है हमारा ए बी है, तो फर्स्ट सेट ए है, ए से हमेशा एक ही रेट जो है निकलना चाहिए और सभी एलिमेंट से निकलना चाहिए एक ही रेंज। अब बी में क्या हो रहा है उससे हमको मतलब नहीं है, ए से सिर्फ और सिर्फ एक रेंज जो है हर एक एलिमेंट से, एवरी एलिमेंट से निकलना चाहिए। तो ए सेट में देखो एक से निकल रहा है रेंज, दो से भी निकल रहा है, तीन से भी निकल रहा है, एक एक रेंज निकल रहा है, मतलब ये फंक्शन है, मतलब एक इसका एग्जाम्पल है, फंक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है, ये रिलेशन जो है फंक्शन कहलाएगा। लेकिन इसमें देखो फर्स्ट सेट में जो है फर्स्ट सेट से सिर्फ दो ही रेंज निकल रहे हैं और तीसरा से निकल ही नहीं रहा, दूसरा से नहीं निकल रहा, तो बोलेंगे कि ये फंक्शन नहीं क्या है, रिलेशन है। क्लियर हुआ, ये फंक्शन नहीं क्या है हमारा, रिलेशन है। यहाँ पे लिख देंगे नॉट फंक्शन। क्लियर हुआ। अच्छा इसमें देखो, इसमें जो है फर्स्ट सेट से एक रेंज निकल रहा है और सेकेंड सेट से दो रेंज निकल रहा है। हम तो डिफिनेशन पढ़ाए थे फंक्शन के कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैज़ ओनली वन एंड ओनली वन आउटपुट, एक ही आउटपुट निकलना चाहिए सेकेंड सेट में, ठीक है। तो इसमें जो है दो रेंज निकल गया, तो इसलिए जो है फंक्शन नहीं है, क्या है हमारा, रिलेशन है, ठीक है, ये नॉट फंक्शन, ठीक है, नॉट फंक्शन। उसी तरह ए जो है हमारा, देखो एवरी एलिमेंट से एक एक रेंज निकला हुआ है, तो हमारा क्या है, फंक्शन है, तो हमारा क्या है, फंक्शन है। तब मैपिंग से समझ में आया, अगर इस तरह का मैपिंग आ जाए तो तुमको फंक्शन पहचानना आ जाए, रिलेशन पहचानना आ जाए, तो इस तरह से जो है हम उसको क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, ठीक है। अच्छा अगला है डोमेन, को डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। डोमेन, को डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, डोमेन, को डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। जैसे मान लो कि एक फंक्शन है, मान लो कोई एक मैथमेटिकल रिलेशन लिखा हुआ है y, और ये y जो है वो डिपेंड कर रहा है x पे, तो इसको बोलेंगे y जो है फंक्शन है किसका, x का, मैंने y जो है x पे डिपेंड कर रहा है, और वो डिपेंड कर रहा है x स्क्वायर के रिलेशन में, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से समझना, एक मान लो कि एक मैथमेटिकल रिलेशन है वाई बराबर एफ एक्स, मतलब वाई को ही हम लोग बोलेंगे एफ एक्स, जो वाई जो है एक्स पे डिपेंड कर रहा है,
अब इस तरह से डिपेंड कर रहा है कि वाई इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है। अगर एक्स का वैल्यू वन रखेंगे तो वाई का वैल्यू वन आएगा स्क्वायर करने के बाद, अगर टू रखेंगे तो चार आएगा स्क्वायर हो जाएगा, तीन रखेंगे एक्स का वैल्यू तो कुछ अलग अलग आएगा। तो मान लो कि एक्स का वैल्यू अलग अलग रख रहे हैं तो यहाँ पे अलग अलग वैल्यू पुट कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे इनपुट। क्या बोलेंगे? इनपुट। तो एक्स को बोलेंगे इनपुट, तो यहाँ पर हमारा इनपुट क्या है, हमारा इनपुट एक्स है। एक्स इनपुट क्या है, हमारा एक्स है। और उसी तरह जो इनपुट रखने के बाद जो हमारा नया आंसर आएगा वो हमको बोलेंगे उसको क्या, आउटपुट। आउटपुट क्या है, हमारा वाई है। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि दो ठो मान लो कि एक हम मैपिंग बना रहे हैं, एक ए मैपिंग और एक ए मैपिंग। मान लो कि इनपुट एक्स के अंदर हम बहुत सारे एलिमेंट्स रख दिए, माइनस दो रख दिए, माइनस वन रख दिए, जीरो रख दिए, वन रख दिए, दो रख दिए। ठीक है, और आउटपुट वाई के अंदर जीरो है, एक है, दो है, तीन है, चार है। ठीक है, अब ध्यान से देखो इनपुट एक्स के अंदर, इनपुट एक्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी इनपुट के अंदर जो भी वैल्यू रखे हैं उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। ठीक है, लेकिन रेंज जो है वाई वाले के वैल्यू को नहीं बोलेंगे, इनपुट रखने के बाद जो वैल्यू आ रहा है उसको हम लोग बोलेंगे रेंज। तो जैसे देखो कि माइनस टू अगर हम इसके अंदर रखेंगे तो कितना आएगा, माइनस दो का स्क्वायर चार हो जाएगा, तो माइनस दो का जो मैपिंग होगा किसके साथ होगा, चार के साथ होगा। तो माइनस दो का जो मैपिंग होगा वो किसके साथ होगा, चार के साथ होगा। समझ गया ना, माइनस दो का मैपिंग किसके साथ होगा, चार के साथ होगा। ठीक है, अच्छा फिर देखो, फिर है माइनस वन रखो, माइनस वन रखेंगे तो कितना आएगा, माइनस वन का स्क्वायर वन, मतलब माइनस वन रखने के बाद जो है हमारा मैपिंग कितना आया, वन आया। ठीक है, फिर देखो, फिर जो है जीरो रखो, जीरो का मैपिंग किसके साथ होगा, जीरो का स्क्वायर कितना होगा, जीरो, तो जीरो का स्क्वायर जीरो हो गया, यानी जीरो का मैपिंग किसके साथ आया, जीरो के साथ। अच्छा वन रखो, वन के साथ किसके साथ आएगा, तो वन जो है वन के साथ आएगा, वन जो है वन के साथ आएगा। अच्छा टू रखो, टू किसके साथ आएगा, चार के साथ आएगा, चार साथ है। अब ध्यान से देखो इन सारे मैपिंग को, पहले फंक्शन है कि नहीं, बिल्कुल फंक्शन है, क्योंकि एवरी एलिमेंट जो है एक फर्स्ट सेट से वो निकल रहा है, सेकेंड सेट में जा रहा है, एक एक इमेज, तो ये तो फंक्शन है, हम तो पहले ही सिखा दिए मैपिंग से। लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पर कि इनपुट एक्स में जितने भी एक्स के वैल्यूज हैं, डिफाइंड वैल्यूज हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं उसको? डोमेन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इस डोमेन पे जो है हम फंक्शन के अंदर इस डोमेन को अगर हम पुट कर रहे हैं और जो नया वैल्यू जनरेट हो रहा है, जो नया वैल्यू क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, तो वो नया वैल्यू क्या क्या है, जीरो है, एक है, चार है, ये दो और तीन नहीं है, तो उसको बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं उसको? रेंज, मतलब जो वैल्यू जो है इनपुट रखने के बाद जो है आउटपुट जनरेट हुआ उसको बोलेंगे रेंज। तो रेंज हमारा क्या है, रेंज हमारा क्या है, तो जीरो है, एक है, चार है, सिर्फ जो वैल्यू आया। ठीक है, जीरो है, एक है, क्या है, चार है, इसको बढ़िया से हम लिख देते हैं, जीरो है, एक है, और क्या है, चार है। लेकिन जो वैल्यू बच गया वो जो है रेंज में नहीं है, जैसे दो और तीन बच गया, रेंज हमारा नहीं है। और बी के सारे एलिमेंट जो है आउटपुट वाई, जो आउटपुट के सारे एलिमेंट जो है वो हमारा क्या कहलाता है, कोडोमेन। क्या कहलाता है? कोडोमेन। तो कोडोमेन जो है हमारा क्या है, जीरो है, एक है, दो है, तीन है, चार है, सारा एलिमेंट्स है, लेकिन रेंज जो है वो एलिमेंट्स है जिसके साथ एरो जुड़ा हुआ है। ठीक है, और डोमेन जो है एक्स के सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो आई होप तुमको समझ में आ गया होगा कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है। ठीक है, चलो अगला जो है हम तुमको फंक्शन के बारे में पढ़ा रहे हैं, ग्राफ और फंक्शन। ये किसी भी ग्राफ से कैसे पहचानेंगे कि फंक्शन है कि नहीं, तो हेडी लगा ग्राफ ऑफ ए फंक्शन। किसी फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है? ठीक है, तो मान लो कि एक पाला फंक्शन ले रहे हैं वाई बराबर एफ एक्स है, और उस फंक्शन का नाम है एक्स स्क्वायर। ठीक है, वाई जो है डिपेंड कर रहा है एक्स पे, और वो इस तरह से है कि अगर हम x का वैल्यू 1 रखेंगे तो उसका स्क्वायर जनरेट करके y मिलेगा हमको। तो इसका ग्राफ कैसा होता है y बराबर x स्क्वायर का?
तो देखो वाई बराबर एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है कुछ ऐसा होता है, जैसे यहाँ पे रखी हो ना एक्स रख लो, फिर यहाँ पर वाई रख लो, अब अलग अलग वैल्यू जनरेट करो, पहले जीरो डालो कितना आएगा, जीरो आएगा, माइनस वन डालो कितना आएगा, वन आएगा, फिर वन डालो तो वन आएगा, दो डालो माइनस दो डालो चार आएगा, दो डालो चार आएगा, मतलब सिमेट्री ग्राफ होगा वाई एक्सिस के बाद। कैसे देख लो, यहाँ पर हम जो है ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं ऐसे, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। अब ध्यान से देखो कि पहले जीरो रखे तो कितना आया, जीरो, मतलब जीरो पे कितना आया, जीरो रहा है, जीरो पे कितना आया, जीरो आया, फिर माइनस वन पे, माइनस वन पे वन आया ठीक है, फिर माइनस टू पे, माइनस टू पे चार आया, माइनस टू पे कितना आया, चार आया ठीक है। उसी तरह वन पे कितना आया, तो वन पे वन आएगा, वन का स्क्वायर कितना होगा, वन होगा, फिर टू पे, तो माइनस टू रखेंगे तो इसके अंदर चार आ जाएगा, तो दो पे आएगा चार, तो ऊपर भी आया चार, ये हमारा वैल्यू है चार, ये वैल्यू है वन। तो यहाँ पे दो पर आ गया वैल्यू कितना, चार। अब इसको क्या कर दो, ऐसे ज्वाइन कर दो, ऐसे थोड़ा सा कर्व जो है वो अनसिमेट्रिक बन गया है, यहाँ पे स्मूथ ग्राफ बनता है, सॉरी ग्राफ बन का ना रहा है, ऐसे स्मूथ थोड़ा सा ग्राफ बनता है, ये थोड़ा सा चल नहीं पा रहा, फिर से बना लो ऐसे। ओहो ऐसे ठीक है। कैसे बनाए इसको, मिटा देते हैं फिर से, चलो देखो ऐसे हो जाएगा ग्राफ ठीक है। यहाँ पे ग्राफ जो है स्मूथ होगा, स्मूथ ठीक है ना, यहाँ पर स्मूथ है ठीक है ना, कॉर्नर ग्राफ नहीं है, स्मूथ है वहाँ पे। तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो है कुछ ऐसा होता है, ऐसे जो है एक बार बना देते हैं फिर से ऐसे से डेस्कटॉप से देखो ऐसे, ऐसे बनेगा, थोड़ा सा नीचे बनाना पड़ेगा ऐसे ठीक है, ऐसे बनता है, क्लियर हुआ। तो ये हो गया हमारा वाई बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ ठीक है, याद रखना दिस इज वाई बराबर एक्स स्क्वायर ठीक है। ये होता हमारा ग्राफ ऑफ फंक्शन। अब देखो हमारा एक टेस्ट है वर्टिकल लाइन टेस्ट, आगे चल के हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो है वर्टिकल लाइन टेस्ट याद रखो। वर्टिकल लाइन टेस्ट जो है बेसिकली वो ये चेक करने आता है कि विच ग्राफ इज ए फंक्शन, कौन सा ग्राफ फंक्शन है, ये चेक करने के लिए जो है हमारा वर्टिकल लाइन टेस्ट किया जाता है। जैसे अभी भी वाई बराबर एक्स स्क्वायर का हम ग्राफ बनाए, क्या बनाए हम वाई बराबर एक्स स्क्वायर क्या बनाए हम ग्राफ बनाए, जैसे देखो पहला जो है वाई बराबर एक्स स्क्वायर फंक्शन है कि नहीं इसको चेक करते हैं, तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर क्या करो, ग्राफ ड्रॉ करो, कर लिए वाई बराबर एक्स स्क्वायर, और तुमको करना क्या है कि एक वर्टिकल लाइन जो है ड्रॉ करना है, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, अगर वो वर्टिकल लाइन जो है वो उस ग्राफ को एक पॉइंट पर कट करे,
तो बोलेंगे कि वो फंक्शन है, और अगर वो ग्राफ जो है उस लाइन को दो पॉइंट पे कट करे तो बोलेंगे कि फंक्शन नहीं। जैसे एक वर्टिकल लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, देखो ऐसे कर लिए ड्रॉ। देखो ये जो लाइन है वो इस फंक्शन को किसी एक पॉइंट पे कट किया, एक पॉइंट पे कट किया, और अगर एक पॉइंट पे कट किया तो बोलेंगे कि फंक्शन है, मतलब ये वाला फंक्शन है, ठीक है। लेकिन अगर वो लाइन जो है एक पॉइंट पे कट कर नहीं किया, जैसे मान लो कि दूसरा ग्राफ अगर हम बनाएं वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ जो है कुछ ऐसा होता है, ऐसे वाई बराबर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। इसमें अगर हम वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाएंगे तो ये जो ग्राफ है, अगर वर्टिकल लाइन अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें, ऐसे वर्टिकल लाइन अगर ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये वर्टिकल लाइन जो है वो इसको दो पॉइंट पे कट कर रहा है। देखो एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, ठीक है। तो इस ग्राफ को दो पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो ग्राफ है, ये जो वैल्यू है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक, ये फंक्शन तो नहीं है, नॉट ए फंक्शन। अगर फंक्शन नहीं है तो क्या होगा, रिलेशन होगा। तो ये हमारा क्या है, रिलेशन है, क्लियर हुआ ना। चलो तो ए जो है हमारा क्या हो गया, रिलेशन हो गया। समझ में आया, समझ में आ गया ना। तो हम तुमको जो है फंक्शन और रिलेशन के बारे में बढ़िया से बता दिए। अब जो है हमको पढ़ना है इस चैप्टर में डोमेन के बारे में, रेंज के बारे में इस चैप्टर में है, ठीक है ना। तो अलग अलग फंक्शन है उसका डोमेन कैसे निकालेंगे, अलग अलग फंक्शन का रेंज कैसे निकालेंगे, इस चैप्टर में सिंपली हमको ये चीज़ पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग लगाना डोमेन ऑफ फंक्शन, तो हेडिंग लगा लो। डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन, किसी फंक्शन का डोमेन कैसे निकालेंगे। तो देखो डोमेन ऑफ फंक्शन जो है इसको निकालने के लिए हमें तुमको एग्जांपल समझाते हैं, ध्यान से समझना। देखो फंक्शन जो है ना एक लाइक ए मशीन, लाइक ए मशीन, एक फंक्शन जो है मशीन की तरह है। कैसे मशीन की तरह, कैसे, जैसे मान लो कि एक जूसर है, क्या है, एक जूसर, मान लो एक जूसर है, और उस जूसर के अंदर जो है, जूसर के अंदर बहुत सारे मैंगोज जो हैं हम यहाँ पर रखे हुए हैं, बहुत सारे मैंगोज यहाँ पर रखे हुए हैं, मारा क्या है, बहुत सारे मैंगोज हैं, बहुत सारे क्या हैं, एप्पल्स हैं, बहुत सारे एप्पल्स हैं, फ्रूट्स हैं, बहुत सारे बनानास हैं, ठीक है। अब इस मैंगोज एप्पल सारे चीज़ें जो हैं इसको अगर हम, इसको अगर हम इस जूसर के अंदर डालेंगे, जूसर के अंदर, जूसर के अंदर डालेंगे, तो ए जो है हमको एक ग्लास में, ए जो है हमको ग्लास में क्या बना के दे देगा, जूस बना के दे देगा, ठीक है। हमको ग्लास में क्या दे देगा, जूस बना के दे देगा, ठीक है। जूस बना के हमको क्या कर देगा, ग्लास में दे देगा, अच्छी बात है। ये हो गया हमारा मैंगो जूस, ये हो गया हमारा कौन सा, एप्पल जूस, चलो अच्छी बात है। तो मशीन की तरह फंक्शन कैसे हो गया, मशीन तो जूसर हो गया, ठीक है मशीन है, लेकिन फंक्शन कैसे मशीन की तरह है। जिस तरह से जो है, जिस तरह से जो है हम इसके अंदर नया नया चीज़ें डाले हैं, तो नया नया आउटपुट मिला, इनपुट हम पुट किए, मैंगोज डालें, एप्पल्स डालें, तो नया नया जूस मिलके बना तैयार हुआ। जो चीज़ डालते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इनपुट, इनपुट को हम लोग क्या बोल रहे थे, डोमेन। और इनपुट डालने के साथ जो नया चीज़ तैयार हो रहा है उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, रेंज, ठीक है, रेंज। तो उसी तरह एक फंक्शन भी तो उसी तरह के, उसी तरह ना था, क्या था,
कि मान लो कि कोई फंक्शन था एक्स स्क्वायर और उसके अंदर कुछ वैल्यू डाल रहे थे, 1 डाल रहे थे, 0 डाल रहे थे, 2 डाल रहे थे, 3 डाल रहे थे, 4 डाल रहे थे, 5 डाल रहे थे, और ये सारे वैल्यू जो है इसके अंदर पुट कर रहे थे हम ये सब, तो हमको नया चीज़ हमको वैल्यू जनरेट होके मिल रहा था। जैसे 1 डालने के बाद क्या मिल रहा था, 1 मिल रहा था, 0 मिल रहा था, 4 मिल रहा था, 9 मिल रहा था, 16 मिल रहा था, 25 मिल रहा था। तो जो चीज़ डाल रहे हैं डालने के बाद जो नया चीज़ बन रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग डोमेन। और जो चीज़ नया चीज़ बन रहा है वो क्या बनता है हमको, रेंज। तो डोमेन जो है बेसिकली क्या होता है, इनपुट होता है। क्या होता है किसी फंक्शन का इनपुट, क्या होता है इनपुट होता है हमारा फंक्शन का, क्या होता है इनपुट होता है हमारा फंक्शन, क्या था हमारा फंक्शन था एक्स स्क्वायर था, ठीक है। तो डोमेन और रेंज समझ में आया कि डोमेन जो है किसी चीज़ फंक्शन का क्या होता है, इनपुट होता है, जिसके अंदर कोई चीज़ इनपुट पुट करते हैं तो कुछ आउटपुट मिलता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग। लेकिन ये इनपुट कुछ भी हो सकता है, या यहाँ पे हम जो है कुछ भी डाल सकते हैं, डायमंड भी डाल देंगे तो चलेगा, जूसर के अंदर नहीं, मशीन के अंदर जो है वही चीज़ डाल सकते हैं जो चीज़ के लिए वो मशीन क्या हो बना हो। लकड़ी भी डाल देंगे तो जूसर चलेगा नहीं, टूट जाएगा जूसर। बॉल डाल देंगे तो चलेगा नहीं। तो उसी तरह फंक्शन के अंदर भी कुछ कुछ ऐसे वैल्यूज होते हैं जो उसके अंदर पुट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मान लो कि एक फंक्शन दिया है, फंक्शन वाई बराबर fx = 1/x, तो इस फंक्शन के अंदर तो 1 पुट करो कोई दिक्कत नहीं, 2 पुट करो कोई दिक्कत नहीं, 3 पुट करो कोई दिक्कत नहीं, 4, 5, 6, 7 कुछ भी पुट करो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 0 मत पुट करना, नहीं कि 0 जहाँ पुट किया तो 1/0 नॉट डिफाइंड। 1 डालेगा तो 1 आएगा, 2 डालेगा 1/2 आएगा, 1/3 आएगा, 1/4 आएगा, 1/5 आएगा, कुछ भी आ जाएगा जितना डालेगा। लेकिन जैसे ही 0 डालेगा, जैसे ही तुम 0 इसके अंदर पुट करोगे, जैसे ही 0 पुट करोगे तो बन जाएगा 1/0 जो नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। मतलब ए जो वैल्यू है वो फंक्शन के लिए एक्सेप्टेबल है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि फंक्शन के अंदर कुछ भी डाल देंगे डोमेन कुछ भी हो जाएगा, डोमेन जो है कुछ स्पेसिफिक वैल्यू ही होगा जिससे फंक्शन वो उस चीज़ पे डिफाइंड होगा। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा डोमेन ऑफ फंक्शन और रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब कुछ हम टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलो हेडिंग लगाओ टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन में बहुत सारा फंक्शन होता है। तो पहला नंबर जो है हम पढ़ने वाले हैं रेशनल फंक्शन। फंक्शन तो बहुत सारा होता है, रेशनल फंक्शन होता है, स्क्वायर रूट फंक्शन होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, सिग्नम फंक्शन होता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं। हम जो है बारी बारी से इस चैप्टर में जो है पढ़ने वाले हैं, उसका डोमेन और रेंज ग्राफ सब चीज़ सीखेंगे। तो सबसे पहला नंबर जो है हमारा गया है रेशनल फंक्शन। देखो रेशनल फंक्शन क्या होता है, रेशनल फंक्शन क्या होता है कि जैसे देखो कोई भी मान लो कि फंक्शन है वो fx = 1/gx के फॉर्मेट में है, जहाँ पे gx एक और कोई फंक्शन है, तो इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं, या ऐसे लिखा रहा है fx = px/gx, तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं रेशनल फंक्शन, जो p/q के फॉर्मेट में लिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम q ही लिख देते हैं नीचे, px/qx। और यहाँ पर क्यू एक्स का वैल्यू तो कभी भी 0 होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे ही नीचे 0 हो जाएगा तो फिर डिफाइन नहीं होगा। मतलब क्यू एक्स का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स जो है वो कौन सा एक्स होगा इसके लिए, एक्स का वैल्यू जो है वो कौन सा होगा जिस पे ए क्यू एक्स 0 होगा, वो जो है डोमेन में लाई नहीं करेगा। तो क्या होगा कि सच वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट सो दैट क्यू ऑफ एक्स विल बी 0 इज नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल फॉर एफ एक्स, डोमेन ऑफ एफ एक्स इसके लिए डोमेन ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो जिस वैल्यू के लिए एक्स जो है हमारा 0 होगा, ए क्यू एक्स, वो जो है
वो डोमेन जो है एफएक्स में लाइन नहीं करेगा, ठीक है ना। जैसे मान लो एग्जांपल में कि यहाँ पर एग्जांपल में मान लो कि क्या है, एग्जांपल में है कि जैसे ऐसे लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/(x-4)। तो यहाँ पर x का वैल्यू तुमको जो मन है सो डालो, बस नीचे वाला टर्म जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे जीरो नहीं होना चाहिए मतलब क्या कि x माइनस चार जो है नेवर भी जीरो, और चार को उधर ले जाओ मैंने x नेवर भी क्या होना चाहिए चार, मैंने x का वैल्यू चार नहीं होना चाहिए। चार छोड़ के जितना भी तुमको चीज़ है, जो भी चीज़ तुमको मन है सो चीज़ डालो, वही हमारा क्या हो जाएगा डोमेन होगा। तो हमारा डोमेन जो है वो क्या होगा, हमेशा रियल नंबर होगा। रियल नंबर का मतलब कुछ भी डाल दो लेकिन किसको छोड़ के, चार को छोड़ के। तो चार को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। हटाने के लिए जो है हम इसको एक ऐसे ब्रैकेट से यूज करेंगे। क्लियर हुआ, समझ में आया ना। ये होता है हमारा कौन सा फंक्शन, रेशनल फंक्शन, ठीक है। जैसे एग्जांपल में फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x/(x²-4)। देखो ऊपर भी एफ एक्स नीचे भी जी एक्स, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एक रेशनल फंक्शन। और रेशनल फंक्शन के लिए हम बता ही दिए डोमेन क्या होना चाहिए, कुछ भी डाल दो रेशनल फंक्शन के लिए डोमेन कुछ भी होगा, बस नीचे वाला जो टर्म है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो नहीं होना चाहिए मतलब क्या कि x²-4 नेवर भी क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो x² नेवर भी क्या नहीं होना चाहिए, चार होना नहीं चाहिए। तो x कभी भी क्या होना चाहिए, अंडर रूट चार नहीं होना चाहिए। तो x कभी भी क्या होना चाहिए, +-2 नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पर 2 भी डालोगे तो 2² 4 में से 4 गया 0, नीचे 0 बन जाएगा। -2 भी डालोगे तो क्या हो जाएगा, -2² 4 हो जाएगा, 4 में से 4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। मतलब यहाँ पे तुमको जो डालना है सो डालो, बस +2 और -2 छोड़ के कुछ भी डाल सकते हो। मतलब डोमेन जो है इसका, इस फंक्शन का, और क्या होगा हमारा रियल नंबर होगा, रियल नंबर कुछ भी, किसको छोड़ के, बस -2 और 2 को छोड़ के। क्लियर हुआ, चलो ठीक है। अच्छा एक और सवाल कर लो, एक और सवाल अपने से करके दिखाओ हमको। सवाल है कि फाइंड डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन लाइक एफ एक्स इज इक्वल टू 1/(x-1)(x-1)(x), ठीक है। चलो बनाओ, ट्राई करो, इसका हमको डोमेन बताना है। बहुत आसान, हम क्या बोले कि एक ऊपर भी फंक्शन है एक नीचे भी फंक्शन है, ऊपर भी फंक्शन नीचे भी फंक्शन, फंक्शन अपॉन फंक्शन क्या होता है, रेशनल फंक्शन हो गया। रेशनल फंक्शन का डोमेन जो है सब चीज़ हो सकता है, रियल नंबर, बस नीचे वाला टर्म जो है जीरो कभी नहीं होना चाहिए। तो डोमेन नीचे वाला टर्म किस एक्स पे जीरो होगा, तो तुम लोग चिल्ला कर बोल रहे हो सर इसको जीरो करिए, तो x-1(x) नेवर भी क्या होना चाहिए, जीरो। मैंने या तो तुम x के जगह पे 1 रखो, ए ना तो जीरो के बराबर होना चाहिए, या तो ई जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए ना ई जीरो के बराबर होना चाहिए। तो x-1 ना तो जीरो के बराबर होना चाहिए या और एक्स ना है जीरो के बराबर होना चाहिए। एक्स ना तो जीरो होगा, नहीं एक्स का वैल्यू क्या होगा, 1 भी नहीं होना चाहिए इधर ले जाएंगे तो। तो कुछ भी डालो एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, एक्स का वैल्यू जो है वो हमेशा रियल नंबर हो सकता है, बस एक्सेप्टेबल वैल्यू क्या है, एक्सेप्ट कर देना है हमको वैल्यू 1 और 0, 0 और 1 छोड़कर। क्लियर हुआ, तो ये हमारा डोमेन हो गया, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, डोमेन हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं, क्लियर हुआ। अच्छा अगला है स्क्वायर रूट फंक्शन, अगला क्या है हमारा, स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन क्या है हमारा, ये सेकेंड नंबर था ना, पहला नंबर था रेशनल फंक्शन, दूसरा है हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन। तो तुम लोग काउंटिंग जो है थोड़ा कर लेना, बहुत सारा फंक्शन पढ़ने वाले हैं, हो सके तो काउंटिंग हम भूल जाए। तो स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होता है, तो कोई भी फंक्शन लाइक एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर कोई भी फंक्शन जी एक्स लिखा रहे, तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन। अब याद करो कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी लिखा रहता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव। बताओ अंडर रूट जीरो कितना होगा, जीरो होगा,
अंडर रूट माइनस वन कितना होगा, नहीं डिफाइन, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में हम पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है चैप्टर पढ़ने वाले हैं ना, तो उसमें हम पढ़ेंगे वाला, तो ये डिफाइंड नहीं होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजनरी नंबर है। लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर जो है हमेशा या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, तो जी एक्स का वैल्यू जो है वो या तो हमेशा जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या है कि जी एक्स जो है या तो जीरो होगा या जी एक्स का वैल्यू जो है या तो क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। तो दोनों कंबाइन करके ऐसे लिखेंगे कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी लिखा है जीरो से क्या कर दो, बड़ा कर दो। ये होता है हमारा फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, ठीक है। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल में क्या लिखा है, क्वेश्चन है कि फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन, फाइंड करो डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन अगर फाइंड करना है, ऐसे लिखा हुआ है कि अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हमको डोमेन फाइंड करना है। तो अगर इसका हमको डोमेन फाइंड करना है तो हम क्या बोले कि कहीं पर अगर रूट दिख जाए तो रूट के अंदर का क्वांटिटी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो बताओ कि 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जीरो। तो बताओ कि यहाँ से हम क्या करते हैं कि माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। आगे जो हम इनइक्वलिटी सिखाने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना है, तो क्या करो तुम कि माइनस से मल्टीप्लाई करो। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस 16 हो जाएगा, अभी लेस देन जीरो हो जाएगा। साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद। कैसे, जैसे मान लो कि तुम्हारा एज है 10 साल, ठीक है, और किसी का एज है 20 साल, तो 20 10 से बड़ा है, लेकिन इसमें माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो एक बार दोनों तरफ, तो इसमें माइनस 2 कर दिए, इस पे भी माइनस 2 कर दिए, तो ये कितना हो गया, ये तो हो गया माइनस 20, अभी होगा कितना, माइनस 40। अब कौन बड़ा हो गया, तो अभी बड़ा हो गया। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद देखो अभी इधर का साइन था, अब साइन पलट गया ना। तो यही बात हम बता रहे हैं कि अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या हो जाती है, चेंज। तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या कर दी, चेंज कर दी। अब ध्यान से देखो कि एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस देन इक्वल टू क्या है, जीरो। अब एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस देन इक्वल टू जीरो है, तो इसको ऐसे लिखेंगे कि एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 लेस देन इक्वल टू कितना, जीरो। मतलब जो है इसको हम ऐसे एक नंबर लाइन बना रहे हैं, एक होता है 4, एक होता है माइनस 4। अब लेस देन जीरो है तो प्लस माइनस प्लस, आगे हम जो है बताने वाले हैं इसके बारे में। तो आंसर कितना हो गया हमारा, माइनस 4 टू 4। तो इसका रेंज जो है, डोमेन जो है, माइनस 4 से 4 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये हमारा डोमेन हो गया। ये डोमेन जो है आगे हम बताने वाले हैं डिटेल में, ये किसी को समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, हम गलती से ही सवाल दे दिए अभी, कोई बात नहीं। क्लियर हुआ, मतलब अंडर रूट के अंदर का क्वांटिटी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, क्लियर हुआ ना। एक और है रेंज, रेंज के लिए थोड़ा सा जान लो, रेंज कैसे फाइंड करेंगे। तो मेथड फॉर रेंज फाइंडिंग रेंज या रेंज हेडिंग लगाओ, रेंज ऑफ द फंक्शन। तो किसी फंक्शन का हम रेंज कैसे निकालेंगे ये हम सीख रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है। जैसे मान लो कि कोई फंक्शन है वाई बराबर एफ एक्स, तो एक्स जो है एक इनपुट होता है, इस इनपुट को हम पुट करते हैं डिफाइंड इनपुट। हम बोले थे कि यूजर के अंदर कोई भी चीज़ नहीं डाल सकते, उसी तरह फंक्शन के अंदर भी कोई भी चीज़ नहीं डाल सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक वैल्यू जो है उसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो क्या किए हम, उसके अंदर एक डिफाइंड वैल्यू जो है पुट किए, तो उसके बाद वाई का वैल्यू क्या मिला, आउटपुट मिला कुछ इसके पुट करने के बाद, उसको क्या बोल रहे थे हम लोग, रेंज बोल रहे थे। अभी रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे समझो, तुमको करना क्या रहता है, सबसे पहले कि
यहाँ पे रेंज का डिफिनेशन अगर तुम लिखना चाहो तो पहले लिख सकते हो, पहले लिख लो डिफिनेशन ही, उसके बाद हम समझाते हैं। रेंज का डिफिनेशन क्या होगा कि जो वाई का वैल्यू ऑप्टेन हुआ जब एक्स का पॉसिबल वैल्यू जब हम पुट किए तब इनपुट की तरह, तो उसको बोलते हैं रेंज। देखो द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई ऑब्टेंड बाय यूजिंग ऑल पॉसिबल वैल्यूज वैल्यूज ऑफ एक्स एज इनपुट। इनपुट की तरह जो है सारा वैल्यूज जो है हम यूज करने के जो प्रोसेस होता है वो, उसके बाद जो है आउटपुट मिला उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेंज। क्लियर हुआ? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक्स जो है इनपुट की तरह यूज करेंगे, उसके दौरान जो है जो भी वाई का सेट वैल्यूज मिलेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेंज बोलेंगे। मेथड कैसे होता है फाइंडिंग करने का? तो सबसे पहले क्या करना है कि मेथड है क्या, बढ़िया मेथड है, काम आएगा कि एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, एक्स को तुमको वाई के टर्म में लिखना है बस। जिसे करना क्या है तुमको कि एक्स को वाई के टर्म में लिख सिर्फ लिख देना है। पहला काम का करना है कि राइट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई फंक्शन लिखा हुआ है वाई बराबर एफ एक्स, इसका हमको रेंज निकालना है, ठीक है। तो वाई के फंक्शन में लिखना है तुमको, तो क्या करो कि तुम एक्स को क्या कर दो कि वाई के कन्वर्ट कर दो। तो एक्स को यहाँ लाओ, वाई को यहाँ ले आओ। तो एक्स को जब यहाँ लाएंगे, वाई को यहाँ लाएंगे, तो कुछ नया फंक्शन बन जाएगा, लेट्स जी वाई। तो पहले एक नया फंक्शन बनाना है, और फिर नया फंक्शन जैसे ही बना लेंगे तो जी का डोमेन फाइंड कर लो, फाइंड डोमेन ऑफ जी। और जैसे ही नया फंक्शन हम जी वाई बनाए तो नया फंक्शन जी का क्या फाइंड कर लो। अब जी का जो डोमेन होगा वही ना वाई का रेंज होगा, वाई ना वाई का वैल्यू ही नहीं रेंज था, तो जो इसका डोमेन निकालेंगे वही हमारा क्या होगा, रेंज होगा। तो क्या होगा अगला कि डोमेन ऑफ जी इज सेम एज रेंज ऑफ एफ, ठीक है। एक एग्जांपल से समझाते हैं, देखो देखो सवाल से। सवाल है कि फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन वाई बराबर एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट टू माइनस एक्स अपॉन एक्स। ए नंबर है आर, बी नंबर है आर प्लस, सी नंबर है जीरो टू इन्फिनिटी, और डी नंबर होगा हमारा जीरो कमा टू। जैसे y बराबर है टू माइनस एक्स अपॉन एक्स इसका रूट, हम क्या बोलें कि पहले तुम x का वैल्यू निकाल लो y के टर्म में, x का वैल्यू निकाल लो y के टर्म में। कैसे निकालेंगे? तो पहले तो रूट हटाएंगे स्क्वायर करके, तो y स्क्वायर इक्वल टू टू माइनस एक्स अपॉन एक्स, गुना करो तो एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू टू माइनस एक्स, तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू टू। अब यहाँ पे x कॉमन ले लो तो y स्क्वायर प्लस वन, y स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू कितना, टू। तो x का वैल्यू क्या आ गया, टू अपॉन y स्क्वायर प्लस वन। हम x का वैल्यू किसके टर्म में निकाल लिया, y के टर्म में। वही तो हम बोल रहे थे कि क्या बोल रहे थे कि राइट इन x टर्म्स ऑफ y, निकाल लिए ना पहला। अब बताओ कि y का इसका डोमेन निकालो, जो टर्म बना ना इसका हम क्या, तो टू बाई वाई स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ पर y का वैल्यू कुछ भी रखो, ये तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है, ए वाला जो नीचे वाला क्वांटिटी है हमेशा पॉजिटिव है, y स्क्वायर प्लस वन। वाई स्क्वायर प्लस वन जो है हमेशा क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्वांटिटी, तो पॉजिटिव है वैल्यू हमेशा। तो y का वैल्यू जो है कुछ भी हो सकता है, बट y का वैल्यू जो है कुछ भी हो सकता है रियल नंबर।
लेकिन यहाँ पर एक हम रिस्ट्रिक्शन है क्या कि वाई का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो जरूर थोड़ी ना है वाई का वैल्यू जो है वो कुछ भी हो सकता है। तो वाई का वैल्यू जो है यहाँ पर रूट में भी तो था, वाई का वैल्यू जो है स्क्वायर रूट समथिंग लिखा हुआ है, और वाई का वैल्यू स्क्वायर रूट समथिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वाई का वैल्यू जो है कभी भी निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि रूट कभी निगेटिव नहीं होता, तो वाई का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होगा, जीरो होगा या जीरो से क्या होगा बड़ा, जीरो या होगा जीरो से बड़ा होगा, जीरो से इन्फाइनाइट तक कुछ भी होगा, तो जीरो से इन्फाइनाइट तक आंसर हमारा हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, जीरो टू इन्फाइनाइट, ठीक है। तो अगला लेक्चर में जो है हम और भी तरह के फंक्शन के टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। ऑल राइट, ऑल द बेस्ट।